mi cabrón por chuar, 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 mi cabrón मैं गवाही देते समय मुझे शब्द आने के लिए सही शब्द से जिससे मैं प्रभु की आपकी महिमा करूं ऐसे मुझे शब्द दो ऐसे मुझे प्रार्थना किया योग्य शब्द मला साक्ष्य देता नहीं ऐसे भी प्रार्थना करा ले लिया अभी तो आज आज आपको प्रभु क्या सिखाया आज वो वाले जीवन तुम्हारा काय शिकवला ये तुम्हारा विचार ला दिस तुम्ही ऐकलं नाही एवढं वेळ आपली सुना येत असं गवाही देते समय बराबर रीति से शब्द निकालने चाहिए जिसमें प्रभु की महिमा हो और तीसरा कि हम प्रभु को प्रभु स्त्रियों को बहुत प्यार प्रभु स्त्रियों को प्रेम कर दो चौथा उसकी बेटियों को जिसने उसने जन्म दिया उन्हें कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता आप जब आपके आंख से आंसू निकलते हैं किसी विषय पर उधर में आंसू निकलते हैं सुनते हैं प्रभु देख नहीं पा अरे इसलिए प्रभु ने बोल सकते इसलिए तो अपने आंसू में ना ऐसे यहाँ वहाँ एक गेट मत बहाओ अरे आंसू निकलते तो गाड़ मत आने प्रभु के सामने बहाओ प्रभु से मत बहाओ प्रभु आपको शांति देगा प्रभु तुम्हारा शांति देगा ही आरोग्य पहले आपके जितने जनों के बेटे मर गए हैं जड़े से मुझे मिलके मिले मर गए मतलब बदतमीजी से आपके साथ बिहेवियर करता है बेशिस्त रीति में बात आपके साथ बराबर नहीं देता है तुम चारों बराबर रहता है आपको पैसा नहीं देता पैसे देता है कमाता होगा तो कमोड़ आपके साथ नहीं रहता है तुम चारों बराबर रहता है शादी हुई है उसकी लग्न है तो अलग रहते हैं आपके साथ नहीं रहता है लवेबा तो तुम चारों बराबर रहता है वो मारा हुआ है तो कहीं रहे तो उसको जिंदा होने के लिए प्रभु के सामने गिर गिरा और जीवन भगवान से प्रभु ने विनती करा एक दिन प्रभु सचमुच उसको जिंदा करके आपके पास लाए एक दिवस बिना देव जीवन को ना दूसरा दूसरा बेटी मर गई है मुर्गी मेरी बेटी की प्रार्थना अनुमति से प्रार्थना करना अगर आपका शरीर अस्वस्थ है शरीर अस्वस्थ है फिर शरीर के लिए शरीर से नहीं प्रार्थना करना हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करें अभी बात अगर आपका पति तुमसा लगा मरा हुआ है तो आपके पति के लिए भी आप प्रार्थना करें नवरे से भी हम प्रार्थना करें क्या बोलोगे अरे इतने तो मुलगा गला मुलगी जाने आमसा नवरा बेटा हुआ बेटी हुई पति तुमचा नवरा मेलेला असेल पती मला होगा तो नवऱ्यासाठी प्रार्थना पती किती प्रार्थना की तो चांगला व्हावा म्हणून तो अच्छा देवाने त्याला जिवंत करावा प्रभू उसको अच्छा माहिती आहे देवाला काहीच कमी नाही और प्रभू आपका पती आपके साथ बराबर नहीं देता है और आप तुमचा नवरा तुमच्या बरोबर नाही आप प्रेम से बर्ताव नहीं करता देवाने नाही वागो करत आप उसके लिए प्रार्थना करो मी त्याच्यासाठी प्रार्थना करतो प्रभू उसके मन में उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम डाले त्याच्या मनामध्ये हृदय में तुमच्यासाठी प्रेम टाके हालेलुया हालेलुया आवन प्रार्थना जीवन के बारे में जो जो वचन हमने सुना उसके अनुसार हम प्रार्थना करें ये जो वचन अपन ऐकला त्याच्यासाठी आपण जैसे हम प्रभु के पास आए जैसे अपन प्रभुकडे आलो तो प्रभु के पास आए उसी इसी घड़ी हम प्रभु से मांगे आणि या वेळेला आम्ही प्रभुकडे मागले बेटों के लिए आपल्या आपल्या बेटी के लिए मुलासाठी मुलीसाठी के लिए स्वतःसाठी अपने पति के लिए आणि आपल्या जो पाप में फसा हुआ है आणि जो पापात फसला आहे उसे जिंदा होने के लिए प्रार्थना त्याला जिवंत होण्यासाठी प्रार्थना करें आप जीवन आप हम आपको धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु तेरी इच्छा है कि हम सारी स्त्रियां जो तो हमारे जीवन में काम करता है उसके बारे में हम गवाही दे प्रभु हम सबको एक अच्छे गवाह बनने के लिए सहायता करना हम तो हमारे जीवन में जो काम करता है वो हम कभी छुपाए नहीं प्रभु परंतु उसे प्रकट करें तेरे नाम की महिमा करें ये हमारी खास ये हमारी तेरी इच्छा है ना प्रभु हमारे जीवन में ऐसा ही होने के लिए सहायता करना प्रभु अब हम प्रार्थना करते हैं इनमें से जितने लोग शरीर में बीमारी है